बच्चों, आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ चुके हैं। इन सब को पढ़ लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे विशेष श्रेणियाँ, जहाँ पर ये श्रेणी न तो पूर्ण रूप से समांतर श्रेणी होगी, न तो पूर्ण रूप से गुणोत्तर श्रेणी होगी और न ही पूर्ण रूप से हरात्मक श्रेणी होगी। इसके बाद हम देखेंगे सिग्मा संकेतन, सिग्मा एन अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, सिग्मा एन स्क्वायर अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और सिग्मा एन क्यूब अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्विधि का उपयोग करके किसी श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। सिग्मा संकेतन, किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पद के पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संकेत श्रेणी के उन सभी पदों के योगफल को व्यक्त करता है जिसका व्यापक पद सिग्मा के आगे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 1+2+3+4 up to n इक्वल टू, इसे हम सिग्मा एन लिखेंगे। इसी प्रकार 1+3+5+7 up to 2n-1 इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे सिग्मा 2n-1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं अथवा धन पूर्णांकों का योगफल, माना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग s है, तब s इक्वल टू 1+2+3+4 up to n इक्वल टू सिग्मा n। यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद एक, पदों की संख्या n तथा अंतिम पद n है, और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2a+l। उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और लिखेंगे s बराबर n/2 × 1+n, या फिर इसको लिखा जा सकता है सिग्मा n इक्वल टू n × n+1/2। तो यही है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसे सिग्मा n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो माना कि सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू 1² + 2² + 3² up to n² और हम यह सर्वसमीका जानते हैं कि x³ − x−1³ = 3x² − 3x + 1। इसमें यदि हम क्रमशः x=1, 2, 3 up to n रखें तो पद हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 1³ − 0³ = 3 × 1² − 3 × 1+1। x=2 रखने पर 2³ − 1³ = 3 × 2² − 3 × 2+1। x=3 रखने पर 3³ − 2³ = 3 × 3² − 3 × 3+1। इस तरीके से आगे भी हम क्रमशः पद लिख सकते हैं। यदि x के स्थान पर n-1 लिखा जाए तो हमें मिलेगा n−1³ − n−2² = 3 × n−1² − 3 × n−1+1। और x=, यदि n लिखा जाए तो हमें मिलेगा n³ − n−1³ = 3n² − 3n+1। अब हमें यह जो प्राप्त हुआ है इसे स्तंभाकार जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा n³ = 3 × 1² + 2² + 3² up to n² − 3 × 1+2+3 up to n+n। अगर आप ध्यान दें तो स्तंभ में 1³ + में है, फिर दूसरे में 1³ − में है। उसी तरीके से पहले स्तंभ में 2³ धनात्मक है तो दूसरे स्तंभ के तीसरे कॉलम में 2³ ऋणात्मक है। इस तरीके से सारे पद कैंसल हो जाएंगे और अंत में n³ बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे आगे सरल करने पर n³ = 3 × σn² − 3 × σn+n, या फिर 3 × σn = n³ + 3 × σn − n। और हम जानते हैं कि सिग्मा एन इक्वल टू होता है n × n+1/2। ये मान रख देते हैं और सरल करते हैं तो हमें मिलेगा 3 × σn² = n³ +
थ्री इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू माइनस एन। आगे लघुत्तम समापवर्त लेकर के सरल करेंगे और ये लघुत्तम समापवर्त आएगा दो, तो आगे सरल करने पर मिलेगा इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एन प्लस वन माइनस टू इक्वल टू एन बाई टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस थ्री माइनस टू इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन प्लस वन। प्रथम दोनों पदों में हम 2n कॉमन ले सकते हैं और अंतिम के दो पदों में एक कॉमन या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा इक्वल टू एन बाई टू टू एन इंटू एन प्लस वन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन टू, और यही है सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, जो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रदर्शित करता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, इसे सिग्मा n क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। माना कि सिग्मा n क्यूब इक्वल टू वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू n क्यूब, तो अंतिम पद होगा n माइनस वन का क्यूब। और हम यह सर्वसमिका जानते हैं कि x का पावर 4 माइनस x माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इस उपर्युक्त सर्वसमिका में क्रमशः x इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n रखेंगे और रखने के बाद पुनः पूर्व सूत्र की भांति हम स्तंभाकार जोड़ेंगे और स्तंभाकार जोड़ने पर अंत में आपको यह उत्तर मिलेगा कि सिग्मा n क्यूब इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। और यही है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 है। तो इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए पहले हमें उसका nवां पद लिखना होगा और फिर उसमें सिग्मा लगाना होगा। तो nवां पद दिया गया है, यह है 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, और हमें जो योगफल चाहिए इसे हम मान के चलते कि ये Sn है, ये सिग्मा अप्लाई करने पर मिलेगा इसमें, और यह है 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। अब जब आप इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा और ये सिग्मा एन क्यूब प्लस सिक्स सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एन और थ्री, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लगा देंगे और सिग्मा वन लिख देंगे। और आपने ये पढ़ा है कि सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है और सिग्मा एन क्या होता है। सिग्मा एन क्यूब का अर्थ है प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, तो ये हमें मिलता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और पूरे का स्क्वायर। इसी तरीके से 6 इंटू एन स्क्वायर जो होता है ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो ये n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस 2 इंटू सिग्मा n, n पदों का योगफल, ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और 3। सिग्मा 1 का मतलब है 1 को आप जोड़ते जाएंगे कितनी बार, n बार जोड़ते जाएंगे, तो ये हमें n मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि सिग्मा 1 जो होता है ये n होता है। अब इसे आगे सरल करते हैं, इस पद का यदि आप स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको लिखना होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1। इसी तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 और ये प्लस 3n। पूरे पदों में आप देख पा रहे हैं कि n जो है ये उभयनिष्ठ आ सकता है, तो n और फिर ये एक n और n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1।
ये पद बाहर आ चुका है, इन दोनों पदों को हमें गुणनफल लिखना होगा। तो n इंटू टू एन, टू एन स्क्वायर प्लस n, फिर 1 के साथ इस पूरे पद का गुणा करेंगे तो 2n प्लस 1, और फिर ये n तो कॉमन आ चुका है, अगला पद है हमारा n प्लस 1, और फिर ये प्लस 3 n इंटू, इस पद को हम गुणा करते हैं अंदर आएगा तो ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, ये n, 2n और ये n, कुल मिला करके हो गए 4n, 1, 2, 2 प्लस 3, 5। आगे सॉल्व करें तो मिल जाएगा n इंटू, पहला है n क्यूब, ये पद घात दो वाले दो पद हैं, दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 4n स्क्वायर, फिर घात एक वाले दो पद हैं 4n प्लस n, ये मिल जाएगा आपको 5n प्लस 5। और जो हमें योगफल चाहिए था एस एन, ये यही है जो हमें ज्ञात करना था। अब आप चाहें तो इस n का गुणा कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा n का पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n। तो यही इस श्रेणी के n पदों का योगफल है जिसका nवां पद हमें दिया गया था 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। अब अगले प्रश्न में nवां पद दिया गया है 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, और इसका हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो nवां पद, या जिसे हम tn से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया गया है 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, और हमें जो योगफल चाहिए, अभिष्ट योगफल, मान लेते हैं कि ये Sn है, तो आपको सिग्मा अप्लाई करना होगा इस पदों पर 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n। चलिए, सिग्मा 3 का पावर n का मतलब है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा 3 का पावर n माइनस सिग्मा 2 का पावर n। सिग्मा का अर्थ है योगफल, n का मान बदलते जाएगा, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इस पद में भी वही n का मान बदलते जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3, इस तरीके से n पदों तक, और माइनस 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, इस तरीके से भी यह n पदों तक पद होंगे। अब देखिए कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है और पदानुपात जो है वो भी 3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र हमें ज्ञात है, ये होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो a का मान है 3 और r का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसी तरीके से यह भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, a r का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 1। अब यदि इसे अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर n प्लस 1 और माइनस 3 और अपॉन 2, अगर दोनों पदों का लघुत्तम सहपद निकाला जाए तो यह हमें प्राप्त होगा 2, और ये 4 टाइम्स, और ये 2 का पावर 2 हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई होकर के 2 का पावर n प्लस 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस और माइनस प्लस 4। इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं कि 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n प्लस 2, और 4 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिल रहा है 1, और ये अपॉन 2। तो हमें जो योगफल चाहिए था एस एन, ये है 1 बाई 2 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n प्लस 2 प्लस 1, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर श्रेणी दी गई है 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे भी हमें पद दिए गए हैं। तो 1 इंटू 4, 4 इंटू 7 और 7 इंटू 10, इस पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका nवां पद ज्ञात करना होगा,
और nवा पद ज्ञात करने के लिए 1, 4, 7 इस तरीके से पद हैं, इसका गुणनफल 1, 4, 7 इस पदों का nवा पद और 4, 7, 10 इस तरीके से जो पद हैं या श्रेणी है उसका हमें nवा पद ज्ञात करना होगा। तो इसे हम tn इक्वल टू लिख सकते हैं 1, 4, 7 का nवा पद और 4, 7, 10 इसका nवा पद। इसका nवा पद निकालेंगे तो देखिए कि 1, 4, 7 ये समांतर श्रेणी में है, इसी तरीके से 4, 7, 10 ये भी समांतर श्रेणी में है। आपने पढ़ा हुआ है कि समांतर श्रेणी का nवा पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3 और फिर इंटू 4 प्लस 3n माइनस 3। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3n माइनस 3 प्लस 1, मिल जाएगा -2 और ये और ये 3n प्लस 1। आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं 3n इंटू 3n 9n स्क्वायर, फिर 3n इंटू 1 प्लस 3n, फिर -2 इंटू 3n -6n, -2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -2। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा tn इक्वल टू 9n स्क्वायर -3n -2 और हमें जो योगफल चाहिए मान लेते हैं कि Sn है, इसमें हम सिग्मा अप्लाई कर देंगे Tn पर, तो ये सिग्मा 9n स्क्वायर -3n -2 n जो है ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर फिर -3 सिग्मा n और फिर -2 सिग्मा 1। 9 इंटू सिग्मा n स्क्वायर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और -3 सिग्मा n ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, -2 सिग्मा 1 होता है n। आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 और 2, फिर ये -3/2 n इंटू n प्लस 1 -2n। यदि पूरे पदों से आप 3n अपॉन 2 को कॉमन लेना चाहें तो ये 3n और ये 2, अगला पद होगा n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1, तो 3n अपॉन 2, फिर ये अगला पद n प्लस 1 और यहाँ पर चूंकि वह पद नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 और ये 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4/3 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न जिसमें हमें श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है और वह श्रेणी दी गई है 1 × 3 × 5 + 3 × 5 × 7 + 5 × 7 × 9, इस तरीके से हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए पहले हम इसका nवा पद ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि श्रेणी का nवा पद पूर्व प्रश्न की भांति 1, 3, 5, इसका जो प्रथम पद है इसका nवा पद, फिर दूसरा पद 3, 5, 7 का nवा पद और फिर 5, 7, 9, इस तरीके से अगला पद है 5, 7, 9 का nवा पद। तो यदि आप ध्यान दें तो ये समांतर श्रेणी है
एक तीन पाँच सात, और ये भी समांतर श्रेणी है और वो भी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर इसी तरीके से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसे हमें पहले सरल करना होगा, ये वन प्लस टू एन माइनस टू, थ्री प्लस टू एन माइनस टू और फाइव प्लस टू एन माइनस टू। सॉल्व करने पर मिलेगा टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, फिर टू एन प्लस वन और फिर टू एन प्लस थ्री। टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन सॉल्व करने पर आ जाएगा फोर एन स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, फिर ये टू एन प्लस थ्री। अब इसे फिर गुणा करके सरल करना होगा, फोर एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा एट एन क्यूब, फिर फोर एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से मिल जाएगा ट्वेल्व एन स्क्वायर, फिर माइनस वन से इस पूरे पद का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा टू एन माइनस थ्री। तो ये हमें एनवा पद मिल चुका है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है इस श्रेणी का, तो हम लिखेंगे कि अभिष्ट योगफल एस एन बराबर सिग्मा ऑफ टी एन। अब इसमें जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो इसमें जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 12 एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, फिर ये एन क्यूब, फिर 12 फिर से कॉन्स्टेंट टर्म है, एन स्क्वायर माइनस टू फिर सिग्मा एन और फिर माइनस थ्री और ये सिग्मा वन। सिग्मा एन क्यूब ये होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इसका होल स्क्वायर प्लस 12 और ये n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, फिर माइनस टू और n होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू सिग्मा n, फिर माइनस थ्री एन सिग्मा वन n। इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा फोर और सॉल्व करने पर मिलेगा टू, तो टू इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, सिमिलरली ये सिक्स और ये टू, तो 2 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस एन और ये एन प्लस वन और फिर ये माइनस थ्री एन। टू एन स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और फिर प्लस 2n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n और फिर मल्टीप्लाई होगा ये 2n प्लस वन से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एन स्क्वायर माइनस एन और फिर ये माइनस थ्री एन। आगे सॉल्व करते हैं, टू एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा टू एन का पावर फोर, फिर टू एन और टू एन, टू एन स्क्वायर और टू एन, फोर एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर, फिर ये टू एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा फोर एन क्यूब फिर प्लस टू एन स्क्वायर, फिर ये टू एन का मल्टीप्लाई इन पूरे पदों के साथ तो फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन और फिर ये माइनस एन स्क्वायर और थ्री एन माइनस एन माइनस फोर एन। 2n का पावर 4 अधिकतम घात वाला पद है, फिर घात 3 वाला पद सिर्फ एक है, तो ये 4n क्यूब घात 3 वाला ये एक पद है और ये दूसरा पद है, दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा 8n क्यूब, फिर स्क्वायर वाला जो टर्म है ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 और 8 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 7, तो ये 7n स्क्वायर। इसके बाद n वाला पद ये है और ये है, सॉल्व करने पर मिल जाएगा माइनस 2n और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। यही इस दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल है। यहाँ पर हमें इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। जो श्रेणी दी गई है ये है 1 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 2 इंटू फाइव स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेवन स्क्वायर, इस तरीके से आगे हमें पद दिए गए हैं। तो पूर्व प्रश्न की भांति हम इसका इस श्रेणी का पहले हम एनवा पद निकाल लेंगे, माना कि यह टी एन है। तो प्रथम पद जो है ये एक दो तीन है, एक दो तीन इसका एनवा पद और थ्री फाइव सेवन इस तरीके से जो पद है एनवा पद इसका वर्ग है। देखिए दूसरे पद में वर्ग है तो इसलिए हमने तीन पाँच सात इसका जो एनवा पद होगा उसका हम वर्ग करेंगे।
तो 1, 2, 3 ये तो सामान्य तौर पर n है, और 3, 5, 7 यह समांतर श्रेणी है, और इसका nवा पद होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस पद का ये वर्ग है। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n इंटू 3 + 2n - 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू n इंटू ये 2n + 1 और ये इसका स्क्वायर है। तो ये n और अगले पद का वर्ग, तो ये मिल जाएगा, 4n² + 1 + 4n, और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4n³ + 4n² + n। यह इस दिए गए श्रेणी का nवा पद है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे कि यह अभीष्ट योगफल, माना कि यह Sn है, और हमें सिग्मा अप्लाई करना है इस Tn पर। तो यह सिग्मा इंटू 4n³ + 4n² + n, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सिग्मा n क्यूब प्लस फिर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, और फिर ये सिग्मा n, सिग्मा n क्यूब ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n स्क्वायर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस सिग्मा n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस पद का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये अंश का स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर और फिर ये n प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2/3 और फिर ये n इंटू n प्लस 1 और ये 2n + 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यदि देखा जाए तो इन तीनों पदों से हम हर का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, 3 और 2 का ये आ जाएगा 6, और 6 को इससे डिवाइड करेंगे मिल जाएगा, और आगे पद मिलेगा 6n² × n + 1 का स्क्वायर प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 × n × n + 1 × 2n + 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंश से तो यह आ जाएगा 3n × n + 1। तो पूरे पदों में यदि आप ध्यान दें तो n × n + 1 / 6 इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो n × n + 1 / 6 कॉमन ले रहे हैं, तो ये 6n और फिर ये n + 1 प्लस n + 1 ये मुखनिष्ठ ले चुके हैं, तो ये 4 2n + 1 और फिर प्लस n × n + 1 ये अपॉन 6 तो ये +3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n × n + 1 / 6 6n × 1 दैट इज 6n प्लस ये 8n + 4 + 3। सॉल्व करने पर मिलेगा n × n + 1 / 6 इंटू 6n² + 14n + 7, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न दिया गया है श्रेणी 1³/1 + 1³+2³/1+3 +1³+2³+3³/1+2+3। इस तरीके से 16 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दी गई श्रेणी है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो दिया गया है उस श्रेणी का हम nवा पद लिखते हैं। दी गई श्रेणी का nवा पद लिखने के लिए 1³ + 2³ + 3³ इस तरीके से यह n³ है, और हर में अगर ध्यान दें तो 1+2+3 ये भी अप टू n है। यदि n = 1 रखेंगे तो 1³/1 मिलेगा, n = 2 पुट करेंगे तो 1³+2³/1+2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसका nवा पद लिख लिया, और ये जो nवा पद है ये सिग्मा n³ है अंश जो है, और हर जो है ये सिग्मा n है। इसको सॉल्व करने पर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा n³, ये n × n + 1/2 इसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई n × n + 1/2
टू। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन अपॉन टू। यह दिए गए श्रेणी का एनवा पद है और हमें जो योगफल चाहिए एस एन, ये सिग्मा टी एन करने पर मिलेगा। इसमें जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 1/2 जो है ये कॉमन बाहर आ जाएगा और सिग्मा एन स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 1/2 और ये सिग्मा एन। सॉल्व करेंगे 1/2 एन स्क्वायर, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस 1/2। सिग्मा एन है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सॉल्व करेंगे एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, दोनों पदों से हम कॉमन ले सकते हैं। एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू शेष पद है 2n+1 अपॉन 6। फिर इसी तरीके से n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और ये कॉमन। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इस पूरे पद का LCM आएगा 6, 2n+1 और 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और ये 3। तो ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 2n+1 2n+4 अपॉन 6। अंश से 2 कॉमन आ सकता है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो ये हमने इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात किया और हमें ज्ञात करने कहा गया है कि 16 पदों का योगफल। तो n इक्वल टू जब 16 रखेंगे इस सूत्र पर तो हमें मिलेगा S16 इक्वल टू 16 और 16+1 17 और 16+2 18 और ये अपॉन 6। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 816 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।